हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो हम मैं ये खास वीडियो आपके लिए कर आया हूँ प्रश्नावली 2.4 के लिए। प्रश्नावली 2.4 के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9th क्लास के लिए बीजीए सर्वसम्मिका की वीडियो। अगर आपको प्रश्नावली 2.4 अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझनी है, तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको बीजीय सर्वसीमाओं के बारे में बताऊंगा। जो सर्वसीमा कुछ हैं 8-10 प्रकार की हैं, उन सर्वसीमा को क्या है आपको ध्यान रखना होगा, उनका याद करनी होगी या फिर आप रटना होगा, तभी आप प्रश्नावली 2.4 के सवालों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस सर्वसीमा का याद नहीं होगी तो आपको 2.4 प्रश्नावली बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और पेपर में भी इन में से सवाल 2.4 के प्रश्नावली में से कम 5 या 6 नंबर के सवाल फंसते हैं। ठीक है, 5 नंबर या 6 नंबर के सवाल आएंगे पेपर में। तो चलिए, वो सर्वसम्मिका कौन कौन सी है, मैं उन सर्वसम्मिका को आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले बात करें सर्वसम्मिका नंबर एक की। सर्वसम्मिका नंबर एक की बात करें तो कौन सी होगी, x+y। इसे सभी लोग जानते होंगे, आपके गणित के फ्रंट पेज पे भी छपी लिखी है ये। x+y=x²+2xy और +y²। यहाँ पे आप x के बराबर ए बी भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए, जो ये सर्वसम्मिका है, अगर इस तरीके से सवाल आएगा जैसे मैंने लिख दिया 2+3 का होल वर्ग, यानी 2 और 3 का वर्ग, तो इस कोष्टक को हम इस तरीके से खोल सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचें कि इसमें से ये कैसे आ गया, तो मैं चलिए इसको थोड़ा हल करके बता देता हूँ। जैसे कि ये इस पर घात 2 लिखी है, तो x+y और x+y, इसको मैंने क्या 2 बार खोल लिया, तो पहले का x का गुणा पूरे गुणा इस वाले कोष्टक से करूंगा, तो x x+y, फिर इस y का गुणा मैं इस पूरे कोष्टक से करूंगा। तो यहाँ से देखिए, ये कितना आ गया x², यहाँ से ये आ गया x y, और यहाँ से भी ये x y, और यहाँ से y, और y का गुणा करें तो y²। फिर यहाँ से देखिए, x²+xy और xy ये कितना हो गए 2xy, और प्लस के y, तो क्या बनकर आ गया हमारे पास, ये सर्वसम्मिका यहाँ से बनकर आ गई। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। तो देखिए, अगली दूसरी सर्वसम्मिका कौन सी है, दूसरी सर्वसम्मिका है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x-y का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे खुलेगी, फिर x²-2xy और प्लस के बाई, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो गया, अगर प्लस की है तो प्लस की, यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेम जो मैंने पहले तरीके से बताई कैसे बनी है ये भी, तो इसी तरीके पहले तरीके से भी ऐसे ही ये बनी है। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन सी सर्वसम्मिका आती है, ये ध्यान में रखना जरूरी है, इसके ज्यादातर है सवाल आते हैं, x²-y²। तो इसे हम किस तरीके से खोलेंगे, इसे हम खोलेंगे, पहला कोष्टक हो जाएगा प्लस वाला, दूसरा कोष्टक हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये इस तरीके से खुलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 का वर्ग 2 -3 का वर्ग 2, ये आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2+3 और 2-3, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपकी तीन प्रश्न तीन भी सर्वसम्मिका हुए। नंबर 4 पे कौन सी आती है, ये देखिए, इसमें से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। नंबर 4 पे आती है x+a और यहाँ पे हो जाएगा x+b। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे खोलेंगे, पहला मान तो होगा सम और दूसरा मान होगा अलग अलग, तो यहाँ से ये हो जाएगा x²+(a+b) और कोष्टक के बाहर x, फिर यहाँ से a गुणा b, ये मैंने डायरेक्ट a भी लिख दी है,
आप इसे ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीधे सीधे ये ए भी हो जाती है, पर तो ये सर्वसम्मिका खुलेगी इस तरीके से, ठीक है। अब नंबर 5 पे कौन सी सर्वसम्मिका आती है, नंबर 5 पे आपको ध्यान रखना है इस सर्वसम्मिका का, तो देखिए नंबर 5 पे आती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, ठीक है। तो ये से हम कैसे खोलेंगे, इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले हम तीनों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर हम तीनों के साथ क्या लिखेंगे इन पदों को लिखेंगे 2xy, फिर हम लिखेंगे 2yz, फिर हम लिखेंगे 2xz, ठीक है। अगली सर्वसम्मिका नंबर 6, नंबर 6 पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई का क्यूब, तो यहाँ से देखिए पहले एक्स का क्यूब हो जाएगा, फिर वाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3xy, और कोष्टक में हो जाएंगे एक्स प्लस वाई। अगर ऐसा सवाल बनता है तो ये इस प्रकार खुलेगा, अगर ऐसा सवाल आया तो ये इस प्रकार बंद हो जाएगी, ठीक है। अगली देखिए नंबर 7, नंबर 7 देखिए, नंबर 7 पे देखिए एक्स प्लस वाई का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस के वाई क्यूब, और ये प्लस 3xy कोष्ठक में एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लस वाली है तो यहाँ पे ये सभी सभी में प्लस होगा, अगर यहाँ पे जैसे माइनस आ गया, मैं यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया जैसे एक्स माइनस वाई का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब और माइनस के 3xy, और इसमें भी क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। ये एक ही है लेकिन बस क्या है चिन्ह का परिवर्तन होगा और कुछ नहीं है। नंबर 8 पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसे हम किस प्रकार खोलेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहला कोष्टक हो गया, दूसरा चलिए मैं यहाँ नहीं थोड़ी ये बड़ी पड़ेगी यहाँ पे खोल के बता देता हूँ, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरा कोष्टक बन जाएगा, फिर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स या एक्स जेड, ये बड़ी सर्वसम्मिका है, इसके दो सवाल तीन सवाल बन सकते हैं। अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो हम इसे को इस तरीके से खोलेंगे, इस तरीके से सवाल आएगा तो हम इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। ये आपकी कुछ मुख्य मुख्य सर्वसम्मिका मैंने आप लोगों को बता दी हैं।